दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल फोन के अंदर आपका विंक म्यूजिक ऐप ओपन नहीं होता है? आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर विंक म्यूजिक ऐप्स को ओपन करना चाहते हैं, या आपने पहली बार उसे डाउनलोड किया है अपने मोबाइल फोन के अंदर और वहां पे आपका विंक म्यूजिक ऐप ओपन नहीं होता है, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मैंने अपने मोबाइल फोन के अंदर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है अगर यहाँ पे आपका विंक म्यूजिक ऐप ओपन नहीं होता है, तो वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आखिरकार इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर यहां पे आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। जैसे आप यहां पे अपने होम स्क्रीन पे आप आ जाएंगे, आने के बाद यहां पे आपको कम से कम दो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपका हेलो ट्यून वाला जो आपको यहां पे विंक म्यूजिक ऐप देखने को मिलता है वो यहां पे आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको विंक म्यूजिक ऐप पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहां पे मिल जाएगा आपको देखने को मिलेगा आपका विंक म्यूजिक ऐप, आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे मिलेगा आई बटन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको परमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इसका सारा का सारा परमिशन इस तरह से आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सारा का सारा परमिशन आप अलाउ कर देंगे, अलाउ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे करने का है, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको इतना परमिशन आपको अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पे आपको करने का है, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर चेकआउट करना पड़ेगा कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो आपका सिम कार्ड पड़ा हुआ है उसमें नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपका नेटवर्क सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहां पे आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले हमारे सिम कार्ड में यहां पे नेटवर्क भी आ रहे हैं और मैंने यहां पे अपने वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है, तो हमारे पास फुल नेटवर्क है और यहां पे हमारा जो नेटवर्क है वाईफाई का वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो यहां पे हम आपको दिखाते हैं हमारा यहां पे अच्छे से काम कर रहा है। यहां पे हम आपको यूट्यूब ओपन करके दिखा देते हैं कि यहां पे हमारा जो नेटवर्क है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो हम आपको दिखाते हैं, यहां पे हमने ओपन किया और यहां से हमारा यूट्यूब ओपन हो चुका है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ये विंक म्यूजिक ऐप कैसे ओपन होगा। तो अब आपको करने क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर एक बार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको एरोप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड, आपको इसे यहाँ से ऑन करना है। जैसे आप इसे यहाँ से आप ऑन करेंगे फिर आपको यहाँ से इसे डिसेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर देंगे, डिसेबल करने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने यहाँ पे रिसेंट बार पे देखने को मिल जाता है आपको सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे क्लियर आल यानी कि क्लोज आल कर देना है, यानी कि आपको रिसेंट ऐप से सारे एप्लीकेशन को आपको हटा देना है। हटाने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है, विंक म्यूजिक ऐप्स पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, फिर से आपको आई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, आपको फोर्स स्टॉप के नाम से आपको इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पे मिलेगा स्टोरेज, आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा क्लियर डेटा का ऑप्शन, तो यहां से आपको अपना क्लियर डेटा कर देना है। उसके बाद यहां से बैक आना है, बैक आने के बाद फिर से अपने रिसेंट बार से आपको इसे हटा देना है, फिर आपको यहां पे अपना विंक म्यूजिक ऐप ओपन करना है। अब यहां पे आपको देखना है कि हमारा विंक म्यूजिक ऐप ओपन होता है या नहीं। तो देख सकते हैं हमारा यहां पे कितने जल्दी हमारा यहां पे विंक म्यूजिक ऐप ओपन हो चुका है। अब यहां पे आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहां से आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। इस तरह का पेज आने के बाद अब यहां पे आप अपने मोबाइल नंबर से यहां पे रजिस्टर यानी कि अपना आईडी बना सकते हैं और उसके बाद किसी भी गाने को अपना हेलो ट्यून बना सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार विंक म्यूजिक ऐप ओपन नहीं होता है तो इसे कैसे हम ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।